नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण छ हिंदी जेमा पाठ बीजो अनूठे इंसान जेमा प्रसंग वर्णन आप विषे सीखीशू। तो सौ प्रथम अपने पेलू सीखी गया नेपोलियन, ए साथा नेपोलियन के नेपोलियन बानापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई थी। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का हटकर सामना करने का गुण उसके बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपा था। हवे आपड़े बीजो प्रसंग जोई लिए कि सच्चा दान इतले के अपने देश के सबसे प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है कौमुदी। तो यहाँ ए प्रसंग विषय आप थोड़ूक जानी लीए। हवे पेज नंबर 7 खोलो, जेमा आपने बीजो पाठ आप्यो छे। सॉरी, पेज नंबर 7 ऊपर। हवे बीजा पाठ में आपणे बीजो प्रसंग जोई लईए के सच्चा दान। तो बधा ज विद्यार्थी पोतानी पाठ्यपुस्तक खोलशे अने बीजो पाठ खोली अने सच्चा दान ज्यां पोतानी ध्यान राखशे अने पोतानी आंगळी पण राखशे, जेथी भाषांतर पण तमने आवडे। हवे चित्रमां आपणे जोयुं छे, जो एक बाजू गांधीजी बैठा छे अने आ बाजू थोड़ी महिलाओ छे। तो अहींया आपणे जोई लईए। हवे मालबार केरल की बात है, जो मालबार केरल नी बात छे। वहां बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। त्यां बडगरा नामना एक गांव में सभा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। गांधीजी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जो शू कीधुं के गांधीजीए पोताना भाषण में उपस्थित सौ बहनों पासे थी घरेणानी भिक्षा मांगी, दान मांग्यू। बहुत सी वस्तुएं भेट में मिली, शू के घणी बधी वस्तुओं भेट में मड़ी। अपना भाषण समाप्त करके गांधीजी उनको नीलाम करने लगे। शू पोताना भाषण पूरु करीने गांधीजीए वस्तुओनी बोली बोलीने वेचवा लगे, नीलाम करवू एटले के बोली बोलकर बेचना, एने नीलामी कहेवामां आवे छे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। शू ए वखते कौमुदी नामनी 16 वर्षनी एक छोकरी मंच पर चढ़ाई, एटले के एक बालिका मंच पर आवी। उसने एक हाथ के सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी के देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? शू कीधु के एक तेने एक हाथनी सोनानी बंगड़ी उतारी और गांधी जी ने ते आपता बोली, शू आप मने तमारा हस्ताक्षर आपसो? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। शू कीधु के गांधी जी हस्ताक्षर करी रहा हता के तेने बीजा हाथनी बंगड़ी पण उतारी दीधी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, आ जोई अने गांधी जीए कह्यू, अरी पगली लड़की, दोनों चूड़िया देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगी। शू कीधु, अरे गांडी छोकरी के मने बन्ने बंगड़ीओ आपवानी जरूर नथी, के एकज बंगड़ी लईने हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपी दईश। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। जो एना उत्तर में कौमुदीए पोताना गोड़ानो सोनानो हार उतारी दीधो। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? शू कीधु के तेने हार उतारियो, એટલે ગાંધીજીએ એને પૂછ્યું કે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લઈ લીધી છે ને? બિના કોઈ ઉત્તર દીએ ઉસને કાનો
में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। जो कई पण उत्तर आप्या विना तेणे कानमांथी रत्न जड़ित बूटीओ पण काढ़ी लीधी। गांधीजी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? शू गांधीजीए एने पूछू, शू पूछू के ते आ घरेणा आपवा माटे तारा माता पिता की आज्ञा ले लीधी छे ने? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपनी मदद कर रहे हैं। शू कौमुदी कहीं उत्तर आपे ए पहलाज कोई के कहू, आना पिता तो के अहीज छे ने, मानपत्रों जे बोली बोलवामा तेओज बोली बोलावीने तमने मदद करी रहा छे। अब गांधीजी ने कौमुदी से कहा, हवे गांधीजीए कौमुदी ने कहू, तुमने यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुमने फिर नए गहने नहीं बनावा सकोगे। शू कीधु के तने ये तो खबर छे ने के आ घरेणा आपी दीधा पछी तू फरी थी नवा घरेणा नहीं बनावी शके। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदीए आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकारी लीधी। गांधीजी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। गांधीजीए हस्ताक्षर कर्या पछी आ वाक्य लख्यू, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तारा आ घरेणा करता पण तारो त्याग एज साचू खरू घरेणू छे। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, साचे ज देश प्रेम थी चढ़िया तू बीजू कशु नथी। अहीं पाठ आपरो पूरो थाय छे। हवे शब्दार्थ जोई लईए के सत्यवादी एटले के हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत एटले के अनोखा, आँख मीचोनी एटले के लुका छिपी का खेल, अमरुद एटले के जामफल, पथ एटले के रास्ता, दृढ़ एटले के मजबूत, निमारता एटले के बनाने वाला, हस्ताक्षर एटले के हस्तक हस्तखत, घटना एटले के प्रसंग, उपस्थित एटले के हाजिर वहाँ हाजिर अथवा तो वहाँ आए हुए, मानपत्र एटले के आदर से लिखा पत्र, आयोजन एटले के इंतजाम, आभूषण एटले के गहना, नीलामी एटले के बोली लगाकर बेचना, भाषण एटले के सभा के सामने बोलना, त्याग एटले के समर्पण। हवे अभ्यास अने स्वाध्याय आपणे पछी शीखीशुं। अहींया आपणो पाठ पूरो थाय छे। जय हिंद, वंदे मातरम।